नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। अतरौलिया के आरएस कन्वेंट स्कूल में बच्चों ने जन जागरूकता के माध्यम से पर्यावरण बचाने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता द्वारा लोगों को जागरूक किया। इस दौरान पर्यावरण पर अच्छी पेंटिंग बनाने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह रहे। प्रतिभाग करने वाले बच्चों को पुरस्कृत करते हुए डॉक्टर शिवाजी सिंह ने बताया कि यहाँ के बच्चों की प्रतिभाओं को देखकर लगा कि बच्चों के अंदर जो भी प्रतिभाएं छुपी है उसे बाहर लाने की जरूरत है। पुरस्कार वितरण से उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा होगी और बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में कक्षा 8 की छात्रा मोनिका कुमारी को प्रथम स्थान, कक्षा 7 की अनामिका को द्वितीय स्थान तथा कक्षा 8 की प्राची को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें लड़कियों व लड़कों ने भाग लिया। विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। आइए सुनाते हैं कि विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय कुमार चौबे और मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवाजी सिंह स्वास्थ्य अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। नहीं, आज बड़ा अच्छा लगा। इस पुरस्कार वितरण समारोह में हमें मैनेजर साहब द्वारा मिला था। बच्चों की प्रतिभाओं को देखकर लगा कि प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और उनके अंदर काफ़ी प्रतिभाएं हैं, उसको निकालने की ज़रूरत है। आज ये पुरस्कार वितरण से उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा होगी और बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, इससे उनकी और प्रतिभाएँ अच्छी होंगी। मैं अजय कुमार चौबे, वाइस प्रिंसिपल आरएस कन्वेंट स्कूल। आपके विद्यालय में ये पेंटिंग प्रतियोगिता हुई थी, ये कैसे हुई थी, कितने बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं और इसके बारे में? विद्यालय प्रतियोगिता इस सत्र की 2022-23 की ये पहली प्रतियोगिता है जिसमें टोटल 88 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फर्स्ट पोजिशन मोनिका कुमारी क्लास 8A, सेकेंड ब्यूटी अनामिका 7A एंड थर्ड पोजीशन पाई थी प्राची क्लास 8A। इसमें टोटल 60 गर्ल्स एंड 18 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया था और बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जिसे आज पुरस्कार वितरण समारोह डॉक्टर शिवा सिंह जी के द्वारा कराया गया। क्या बच्चों से कैसी पेंटिंग प्रतियोगिता हुई थी और कुछ और बच्चे लोगों को प्रोत्साहित किया गया? हाँ, इसके बारे में बच्चों को समाज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, आज प्रदूषण व्यापक स्तर पर बढ़ रहा है, लोग पेड़ों को अनायास ही काटते जा रहे हैं, उसको लेकर के यानी सामाजिक परिवर्तन को लेकर के बच्चों को बीच एक टॉपिक दिया गया था कि आप ऐसी प्रतियोगिता बनाइए, ऐसी पेंटिंग बनाइए, अपनी कला का प्रदर्शन करिए जिसमें समाज को संदेश मिल सके। तो इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया।